गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, जैसे कि आज हमारा डे थर्ड है, 27 से क्लास स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पावर EMMC CPU लगाकर सेट्स भी ऑन कर लिया। रिबॉलिंग की इनको ऐसी ट्रिक बताई जाती है कि वन टाइम में इनका सक्सेस हो जाता है, साथ ही साथ स्कीमेटिक डायग्राम और बेसिक की इनको ऐसा बेस दिया जाता है जिसमें एक प्रॉपर वे में वो चेकिंग प्रोसेस उनको ऐसा बताया जाता है जिसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और SMD कंपोनेंट को डीपली लेवल में, एकदम डीपली लेवल में उनको समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, जहाँ पे वो देखकर पता लगा सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट क्या काम करता है, कहाँ पे लगा है, उसको चेक कैसे करना है। तो यहाँ पे मेरे साथ सारा बैच है, मैं आपको बताना चाहूँगा। तो चलिए देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, कैसे चेकिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट बैच अक्टूबर 27 का बुकिंग स्टार्ट है, चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन फिक्स HYD यूट्यूब पर चैनल है, जहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। फ़ोन फिक्स HYD लिखिए, इस तरह से आपको यूट्यूब पे चैनल मिल जाएगा या फेसबुक पे भी मिल जाएगा, जहाँ पे आपको हमारे इंस्टीट्यूट के कॉलिंग नंबर्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आप व्हाट्सअप करके डिटेल ले सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। एंड्रॉयड और आईफोन दोनों की यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। 20 दिन का कोर्स होता है, 10 घंटे की क्लास होती है जिसमें प्रैक्टिकली क्लास होती है। सुबह 10 बजे स्टार्ट होती है क्लास आपकी, रात में 8 से 9 बजे तक होती है। और जो सपोर्ट है हमारा, लाइफ टाइम हमारा यहाँ पे सपोर्ट होता है, वापस दोबारा आप आ सकते हैं, जिसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है। इसके अलावा टेलीग्राम का ग्रुप होता है और 4 से 6 फैकल्टी है जो कि आपको ग्रुप में सपोर्ट करते रहेंगे, सपोर्ट देते रहेंगे। सब कुछ आपके हाथ से प्रैक्टिकल काम यहाँ पर कराया जाता है। यहाँ पे चलिए चेक करते हैं स्टूडेंट क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। सारा डाटा बना लिया अब ठीक, अब अभी बने, फिर भी बना रहे रात में, ये रात है, फिर मैं बना लिए ठीक, काले का सर्किट बनाएंगे, हाँ IC टिप्स वगैरह ठीक है, कंपोनेंट्स ठीक। आपका बताइए मुजावर, आज का है ये रफ है, फिर में किधर बना रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा बना रहे हैं। जैसे कि फ्रेंड देख सकते हैं स्टूडेंट जो है मुजावर, कितना दिन हो गया अभी आज को, थर्ड डे है ना, तीसरा दिन। आप कहाँ से? बेलगाम, कर्नाटका। कर्नाटका से है ये जो बना रहे, समझ में आ रहा सब? जी समझ के। नहीं कॉपी तो नहीं कर लिए कहीं? नहीं सर, मैं खुद समझ के बना, जो पढ़ा रहे समझ में आ रहा है ठीक है। थोड़ा सा बताओ क्या क्या बना दिए। जैसे कि फ्रेंड्स देख सकते हैं बहुत ही अच्छे अंदाज में इन्होंने यहाँ पे सब कुछ बनाया है, जो ये 2 दिन में सीखे, आज तो तीसरा दिन है और सुबह के अभी 11-12 ही बज रहे हैं। हर चीज़ इन्होंने बनाई है अपने अच्छे अंदाज में, समझ के अच्छा बना है, वेरी गुड ठीक। आकाश कुछ डायग्राम वगैरह बनाए 2 दिन में? नहीं सर, मैंने कुछ बनाया नहीं सर, अपने हिसाब से लिखा हुआ ठीक है ठीक। चलो आप क्या बनाए? असलम नोट है, ऑलरेडी बनाए बनाए, कहाँ हॉस्टल में है, फेयर वाले फेयर नोट हॉस्टल में है, तो पढ़ा रहे समझ में आ रहा सब कुछ? ठीक है, कल तो अभी सेटा भी ऑन करे ना, क्या क्या कर लिया कल? कल CPU MMC पावर तीनों निकाल के लगा लिए, लगा दिया। रिवॉल्विंग ट्रिक कैसा लगा? ओके अच्छे, परफेक्ट। वन टाइम में हो रहा है? हाँ सिंगल टाइम में हो गया ठीक। ले लो, डब्बा है ना आउटसाइड दिया वहाँ पे। आप डायग्राम बनाए कुछ फेयर में? मेरे साथ अमित जो कि नेपाल से है, अदर कंट्री से, इतनी दूर से आ गए अमित, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स ठीक है। कौन सी लैंग्वेज है अमित ये? नेपाली। नेपाली है हाँ। जैसा कि फ्रेंड्स ये तो मेरे को आता नहीं है पढ़ने, अगर आप नेपाल से हैं तो आप समझ सकते हैं नेपाली लैंग्वेज है जो कि अमित यहाँ पर बनाए ठीक है। अमित और बताइए, देखिए कितने अच्छे अंदाज में इन्होंने यहाँ पर बनाया है डायग्राम्स, और आज ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, मैं आपको बताऊँगा आज तीसरा दिन हमारा है और यहाँ पे सब कुछ बनाए हैं ठीक है। और अमित थोड़ा सा 1-2 मिनट, आप नेपाल से कहाँ से हैं आप? नेपाल बीरगंज से। हाँ बीरगंज से, बिनन बीरगंज, बीरगंज अच्छा। अमित इतनी दूर नेपाल से आए, थोड़ा
तो अमित इतनी दूर नेपाल से आए इंडिया को, आप जो सोच के आए थे मिल रहा है? मिल रहा है सर। हाँ, कुछ ऐसा डिसअपॉइंट तो नहीं है हमारे से? कुछ भी डिसअपॉइंट नहीं है, यहाँ पे रहने का खाने का जो मैं सोच के आया था, मुझे एक तरह से डर लग रहा था कि मैं यहाँ पे जाऊँगा तो फंसूंगा कि क्या होगा। हाँ। तो पैसा डूबेगा कि क्या होगा, मगर यहाँ आने के बाद मुझे कन्फर्म एक अच्छा, मगर होता है ना तो बहुत आदमी सब बोलता है लोग मेरा पैसा डूब गया, यहाँ पे कोई भी आएगा उसका पैसा डूबने वाला बात नहीं है, और जो चीज नहीं सीखा है यहाँ से सीख के जाएगा और कन्फर्म हो के जाएगा, कोई भी मोबाइल वो बना सकता है, बना सकता है। पैसा वसूलेगा नहीं है? पैसा तो सर 100% वसूल है। कोई नेपाल से आ रहा तो उनको सजेस्ट करोगे कि नहीं करो? हाँ, मेरा फ्रेंड भी आने के लिए, अब अगर नेक्स्ट बैच में आएगा वो, अच्छा उसको बोल दिए हैं नेक्स्ट बैच में बुकिंग करेगा। 3 दिन में ऐसा लगा आपको कि यहाँ पे हम सिखा सकते हैं? हाँ सर। कैसा है हमारे यहाँ, कैसा सिखा रहे हैं आपको? सर सिखाने का तरीका जो है ना एकदम परफेक्ट है, वो शायद ही कोई ऐसा सिखा सकता है एकदम इजी वे। कितने घंटा क्लास हो रहा अपना यहाँ पे? यहाँ पे सर लगभग मेरे हिसाब से 10-11 घंटा हो रहा है। ऐसा छोड़ तो नहीं दे रहे आपको, कुछ भी कर लो, कर रहे नहीं कर रहे, बच्चे बैठे फिर टाइम पास कर रहे, ऐसा तो नहीं? नहीं सर, नहीं, यहाँ पे तो हम लोग को कब दिन से रात हो जा रहा है पता ही नहीं लग रहा है। हॉस्टल का फैसिलिटी कैसा लगा? सर हॉस्टल तो एकदम अच्छा है, सोचे नीट क्लीन है, वो सोचे कि उससे भी अच्छा है, खाने का भी जो चीज है वो भी एकदम अच्छा है। अच्छा है ना, कुछ दिक्कत तो नहीं है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नोट्स आपके बहुत अच्छे लगे, चलिए। और कुछ सेट वगैरह ऑन करा रहे कि नहीं करा रहे यहाँ पे? सबसे मैंने तो किया नहीं था, मगर यहाँ पे आके आईसी अभी तक डाले नहीं थे, अपने आप से ऑन नहीं किया था। यहाँ पे मैंने पावर आईसी चेंज कर लिया, सीपीयू चेंज कर लिया, अभी ईएमएमसी भी चेंज। रिबॉलिंग हो रहा है एक बार में? रिबॉलिंग तो ट्रिक कैसा है हार्डवेयर में सिखाने का? एकदम आसान है। और डायग्राम वगैरह थ्योरी कैसा पढ़ा रहे आप? डायग्राम थ्योरी तो एकदम बेटर है, सुपर से ऊपर है। कहीं यूट्यूब वगैरह पे देखे थे क्या इस तरह से आप इतना डिटेल में? डिटेल में नहीं, नहीं। चलिए तो थैंक यू। हमें सर विद्यासागर है कर दो सर, वो नहीं पैसा देखे, 1 रुपये डाले तो चेक कर लीजिए नीचे है सागर सर। हाँ सर वही है। इमरान कुछ डाटा बनाए आप फेयर वगैरह? जी बना, अभी बनाए? हाँ बना। चलो ठीक है चेक करो। राजकिशोर कुछ डाटा बनाए फेयर वाला आप नाइट में? अभी हॉस्टल में है। आप कहाँ से? वैसे उड़ीसा से। समझ में आ रहा जो पढ़ा रहे? ठीक चलो। आपका कुछ डाटा फेयर? सर है डाटा बना रहे हैं। आप राजस्थान से है ना? सर राजस्थान उदयपुर से। उदयपुर से है, ठीक है। बताइए थोड़ा सा क्या क्या बना लिया? क्या बनाया मैंने? टेस्टिंग का बनाया है, जनरल डायोड का बनाया है, एलईडी डायोड का बनाया है, और ये सारी सर्किट बनाए हैं। ये कॉपी तो नहीं कर लिया खाली? नहीं सर कॉपी नहीं। कुछ भी पूछूं तो समझ में आता है ना आपको? बिल्कुल समझ में। और सिस्टमेटिक समझा रहे हैं, वो समझ में भी आ रहा है। जी जी। पहली बात तो तुलसीराम आप हम सबके लिए मोटिवेशन है। आप थोड़ा सा हैंडीकैप है, जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपको बिल्कुल चलने वगैरह नहीं आता, लेकिन फिर भी राजस्थान से इतनी दूर आए आप, इतनी दूर आए राजस्थान से, जो सोच के आए थे मिल रहा आपको? सर बिल्कुल मिल रहा है बिल्कुल। और जो उस समय इतना नहीं आता था, पर आज थोड़ा 3 दिन में मुझे बहुत फर्क लगा। आईसी भी बोल किया है मैंने, आईसी लगाया है, पावर आईसी निकाला है, वो भी लगाया, सेट ऑन भी किया है। 2 दिन नहीं, आज तो तीसरा दिन ही है। तीसरा दिन 2 दिन में सीखे आप? सीखे। कैसा लग रहा तरीका हमारा सिखाने का? लग रहा है, सपोर्ट भी अच्छा है, टीचर का सपोर्ट भी अच्छा है, सब बेस्ट है एकदम। ऐसा बिठा के छोड़ तो नहीं देते आपको? नहीं नहीं सर, बिठा के नहीं, एक एक हाथ पकड़ के काम कर रहा। हॉस्टल वगैरह फैसिलिटी कैसी? अच्छी फैसिलिटी है और बेस्ट टू बेस्ट है। खाना वगैरह समझ में आ रहा है? बिल्कुल बेस्ट। मेन होता है एक्चुअल में सीखने का, आपने को जो सीखने के लिए आए थे आप, खाना रहना तो छोड़ दीजिए सर, वो मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है। अभी तो 2 दुनिया है आपके, हम सारा चीज़ आपसे अभी सीपी वगैरह कराएंगे, ब्लैक पेस्टेड वगैरह, ये तो आईसीएम की बात। थ्योरी वगैरह आपकी नॉलेज कैसा बता रहे हैं सर? ऐसा एक सिस्टमेटिक सिखा रहे हैं, एक एक चीज़ पकड़ के सिखा रहे हैं, कंपोनेंट का ज्ञान वगैरह वगैरह, कैसे चेक करना है, किसी टेस्टिंग करना है, कितनी वैल्यू निकालना, सारा कुछ सब कुछ बता रहे हैं। नहीं आता पूछते तो भी बताते। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा, जो सोच के आए थे मिल रहा ना? सोच के आ रहे जो मिल रहा। चलिए चलिए थैंक यू वेरी मच। देखो रहा ठीक है।